हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद तौसीक हैदर में आपको वेलकम करते हैं जनाब। आज हमने एक नए स्टाइल से जरा लाइव विद तौसीक हैदर का सेशन शुरू किया है और आपकी मुलाकात मैं करवाने लगा हूँ एक ऐसे दोस्त से कि इनसे मेरी मुलाकात बहुत साल पहले काम के सिलसिले में हुई। ही इज अ म्यूजिशियन और असरार असरार शाह। अच्छा, सूफी रॉक का बड़ा डिफरेंट स्टाइल ये लेके आए, डिफरेंट जॉनरा लेके आए, और ये वजह है कि इंडिया में भी पाकिस्तान में भी सही बानों में रातों रात में हिट। इनसे मेरी मुलाकात हुई एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। सरगोधा के पास एक जगह है शाहपुर, वहां पे जनाब हम आ, आ, हमने 2-3 रातें इकट्ठी गुजारी, और यकीन करें पहली शाम 3 घंटे के अंदर अंदर हमारी ऐसी दोस्ती हुई कि हमें पता नहीं लगा सुबह हो गई। हम पूरी रात उस गर्मी के मौसम में बैठ के गप्पे लगाते रहे, काम भी करते रहे, एक शूटिंग चल रही थी। और वो दिन और आज का दिन असरार शाह से मुलाकात करके गप्पे लगा के ऐसे लगता है कि बस आप एक और दुनिया में, ये बंदा आपको एक और दुनिया में ले जाता है, एक ट्रांस में, एक पर्सनैलिटी का ट्रांस। आई रियली लाइक हिज पर्सनैलिटी एंड हिज वर्क। आई एम सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज के मेरे साथ आज शाह जी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम शाह जी, बिस्मिल्लाह। कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके बड़े प्यार करने वाले वो देखें जनाब कमेंट्स में, वाजी वाह वाजी वाह, बड़े खुश हैं। अच्छा जी, ये तो हथियार आपने पकड़ा हुआ है ना, इस हथियार से आप बड़ा जबरदस्त मैजिक क्रिएट करते हैं। आई रियली लाइक द वे यू क्रिएट म्यूजिक। शाह जी, आपसे अच्छा हमारी मुलाकात अच्छा बड़ी बड़ी पुरानी है। बड़ी हम तो मैं अगर अभी कहूंगा कि जी बचपन से देख रहे हैं तो वो तो नहीं लगता। अभी भी आप मुझसे यकीनन यंग लग रहे हैं स्क्रीन पे भी। लेकिन ये है कि मुझे वो टाइम याद आता है जब सुबह सुबह जब पीटीवी का जो मॉर्निंग शो हम देखते थे, और जब हमारी मुलाकात हुई जिसका आपने जिक्र किया, तो सर हमारे लिए ऑनर है कि शाह जी हमसे प्यार करते हैं। नो डाउट नो डाउट। अच्छा सर, आप एक काम कर लें, आप अपना फोन फोन का एंगल थोड़ा सा ऊपर कर दें तो आपका जो चेहरा है वो थोड़ा सा ऊपर से कट है, अगर फोन के एंगल को थोड़ा या खुद थोड़ा सा पीछे हो जाए। परफेक्ट, ये अब ठीक तो हो ये गया, जी। बिल्कुल ठीक हो गया। वो लोग जी अच्छा जी, असरार सबसे पहले कहानी यहां से शुरू करते हैं। मुझे सबसे पहले बताओ कि आप जैसे तो म्यूजिक क्रिएट करते हो, ये तो सूफी रॉक टाइप चीज है, आप अपने म्यूजिक को इसका जॉनर क्या कहते हैं, क्या है? शाह जी, जितना म्यूजिक को की अंडरस्टैंडिंग टाइम के साथ साथ थोड़ी सी हुई है, इसमें मुझे लगता है कि म्यूजिक का मुख्तलिफ जॉनराज नाम तो दिए गए हैं, लेकिन मेरे केस में मैं खुद को ये नहीं समझता कि मैं किसी एक जॉनरा का पाबंद हूँ। उस इसलिए स्टार्ट इससे करना चाहता हूँ कि जब मैंने इसमें थोड़ा सा वो गाने शाने आना शुरू हुए तो मुझे पता चला, अच्छा जी मैं सूफी म्यूजिक करता हूँ। तो क्वेश्चन आया कि सूफी म्यूजिक होता क्या है। यानी स्टार्ट मैंने कोई प्लान करके नहीं किया था कि मैं कोई सूफी म्यूजिक कर रहा हूँ, या मुझे ये टर्म ही जब मैंने सुनी तो बड़ी अजीब सी लगी। वो इसलिए कि फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि क्योंकि सूफी थॉट होती है, तो वो किसी भी म्यूजिक जॉनरा में हो तो उसको यार लोग कह देते हैं कि ये सूफी म्यूजिक है। क्योंकि अगर आप देखें तो आप मुख्तलिफ जॉनराज में इंस्ट्रूमेंट वही यूज हो रहे होते हैं। क्लासिकल फोक में वही तबला हारमोनियम मुख्तलिफ चीज़ें फ्लूट चीज़ें चल रही होती हैं, घुमा फिरा के वही इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसी तरह की रिदम्स होती हैं। लेकिन जब उसमें स्पिरिचुअलिज्म की थॉट आ जाती है तो उसको यार लोग सूफी म्यूजिक कह देते हैं। सो मेरे केस में यही है कि बात जो है वो स्पिरिट की, वननेस की, इकाई की, उसकी बात हो तो वो उसके अंदर म्यूजिक जॉनरा कोई भी हो सकता है, एज फार एज आपको एंजॉय कर रहे हो उस मोमेंट को, उस रिदम को या उस सुर को आप अगर एंजॉय कर रहे हो, तो मुझे इससे कोई कतन कोई कैद नहीं है कि जी वो क्लासिकल म्यूजिक है, फोक है, रॉक है, नहीं। पॉप है, इवन रैप है, डब स्टेप है, हिप हॉप है, वॉट एवर। सो क्योंकि ये है। मैंने मैंने ये भी देखा, क्योंकि मैं अपने साथियों को बताता चलूं कि तो एक शाम का मैंने जिक्र किया, फिर असरार के साथ दोस्ती होती तो हमने काम भी बहुत इकट्ठे किया, कॉन्फ्रेंस वगैरह। असरार, एक चीज मैंने आपकी नोट की है कि जब आप स्टेज पे, एक दफा जब आप स्टेज पे चले जाते हो
तो जो लव ट्रांस है ना वो वाकई आप खुद भी और यू आर नॉट देयर. मैं लिख के दे सकता हूँ उस वक्त मैं आपको यहाँ पे हाथ रख के कहूँ भाई आपका नाम क्या है तो आपको अपना नाम याद नहीं है. वो ट्रांस क्या होता है उसको कैसे एक्सप्लेन करें दादा? मामला ये है कि मुझे लगता है कि आपको एक एक्सपीरियंस करवाया जाता है, जिस तरह से ये एग्जिस्टेंस का एक्सपीरियंस है, इस लाइफ को एक्सपीरियंस करने का, इसकी मुख्तलिफ रंग, इसकी लज्जतें. सो स्टेज भी मुझे लगता है कि आपसे, आपके वहाँ पहुँचने से पहले, बहुत पहले ही बहुत से लोग, बहुत सी रूहें, बहुत से जिस्म एक्टिव कर दिए जाते हैं कि वो कोई कील ठोक रहा है, कोई स्टेज बना रहा है, कोई लाइटें लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो सारे जो क्रू होता है. तो उस मोमेंट पे जब आपको लाया जाता है तो मैं भी उस मोमेंट को लिव करने की उसकी सरशारी या वो जो उसका उसकी उसकी डेप्थ है या उसकी इंटेंसिटी है या लिरिक्स या जो आपसे अदा हो रहे हैं, तो वो उसके उस परफॉर्मेंस के अंदर भी स्पेशली कुछ मोमेंट या कुछ वर्ड्स या कुछ नोट्स इस किस्म के लग रहे होते हैं कि वो आपकी बॉडी पे या आपकी जो सोल है या आपकी सोच है उसके ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं. तो वही है कि वो मैं स्टेज पे एक बात कर भी रहा होता हूँ कि डुग डुगी बज रही है और जो है वो बंदर नाच रहे हैं. अब ये है कि आई बिलीव कि आप उस मोमेंट को पूरे खलूस से और प्योरिटी से आप उसको लिव करते हो जो मालिक आपको करवाना चाह रहा है. सो शायद उसकी सरशारी होती है. सो मुझे ये लगता है कि मैं उस मोमेंट को लिव कर रहा होता हूँ, बस जो 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 भीतरी होती है मेरे पे, जो फील हो रहा होता है वो सामने होता है. बड़े नाराज होना है लोगों ने मेरे से अगर मैंने आज बातें की और कुछ सुनवाया ना, तो साथ साथ क्रिएट होना चाहिए. बात सुनाएंगे कुछ? अच्छा, गाने का कुछ कह रहे हैं जी? ठीक है. हाँ जी, मतलब कुछ इनायत हो ना, ये जो हथियार खड़ा है इसको इस्तेमाल भी होना चाहिए. इससे पहले जो अभी इसको रिलेट ही मैं कर दूं इस क्वेश्चन को इसके साथ के, यही शाहजी आपके सामने आए तो इस एक मेरा सॉन्ग है, मस्त हुआ बर्बाद हुआ, कहता हूं सॉरी. लेकिन उससे पहले एक एक रिसेंटली एक दौड़ा एक 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 शेयर कुछ लाइंस हुई है तो वो आपसे शेयर करता हूँ. बिस्मिल्ला. ओ मेरा आशिक आशिक रंग है मेरा, जोगन जोगन भेस, हो मेरा जीना मरना एक है, वो मेरा प्रीतम है परदेश. मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ, मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ. सूट पे लग गया टाट का टुकड़ा, फूट का तस्मा टूटा, इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा, इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा. फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ
इश्क का कलमा याद हुआ, हम मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। मन में बसी लूबान की खुशबू इतर बितर सब भूला, जात अकीदा राख हो गए, इश्क का जल गया चूला, तस्वीर टूटी ढोल पे रक्स हुआ, इश्क मेरा तावीज बन गया दिल पे नक्श हुआ, मुझ पे लग गई तोहमत शोहमत, मैं बदनाम हुआ, गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ, गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ, फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। वाह, तोहमत शोहमत जी जी बात। अच्छा असरात मुझे बताओ, फैन बन गए लाखों, आहा दुनिया मेरे अच्छा। पीछे और मैं इश्क के पीछे भागूं भागूं, इश्क की तकिया इश्क पलंग है, इश्क है मेरा बिस्तर, इश्क ही ओढूं इश्क ही पहनूं, इश्क है मेरी चादर। वाह, अकलों वाले मारे ताने हैं ये तो दीवाना है, मैं तो आशिक हूँ यारो, मुझे डूब के जाना है, डूब के जाना है। शाहजी मिश्रा सुना होगा ना कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है, आग का दरिया है, डूब के जाना, मैं तो आशिक हूँ यारो, मुझे डूब के जाना है। असरात पहले गाना गाना पहले शुरू किया था या शायरी पहले शुरू की? शाहजी मुझे लगता है शायरी, हाँ शायरी पहले। किस एज में? बहुत छोटी एज में, मेरे ख्याल में मैं कोई शायद फिफ्थ क्लास में था, फिफ्थ क्लास में आई गेस। हाँ अच्छा? मेरे पास एक डायरी होती थी उसमें, जी जी उसमें लिख रहा होता था। क्या मसलन, क्या उस वक्त क्या सोचते, क्या ख्याल था, क्या लिखते? चिड़िया लाई दाल का दाना, बिल्ली ने भालू को देखा, इस तरह की चीजें क्या लिखते? नहीं सर, बड़ी उसके अंदर थी, लेकिन उसके अंदर टेक्निकली जो बाद में समझ आई कि टेक्निकली उसके अंदर बड़े मामला थे, क्योंकि आप उस वक्त वजन का और बहर का और इनका उस तरह से ख्याल नहीं रख रहे होते, आप बस ईंट के ऊपर ईंट लगा रहे होते हैं। लेकिन यह है कि उस वक्त भी अप्रोच या सोच शायद बचपन से ही, ये जितने भी मिस्टिक पोइट्स हैं हमारे बाबे, हाँ। या जो वो उनकी बातें मुझे अट्रैक्ट करती थी, तो उस वक्त अच्छा। भी पोएट्री के अंदर चीजें इसी किस्म की होती थी। अच्छा, ये जो बाबे हमारे गुजरे हैं, जी जी जी, ये बाबे क्या, ये क्या बिल्कुल आप इनके बारे में क्या फीलिंग है, एक और लेवल की जिंदगी गुजार के गए हैं, इनका कुछ जोन और ही था, ये आम आदमी की जिंदगी नहीं गुजारते थे, कौन लोग थे बाबे, कौन होते हैं? जी बिस्मिल्लाह, असल में शाह जी आप एक ही चीज अगर खाने पीने की चीजों में आप देखें कि अगर आप एक टेस्ट लाइफ में चखते हैं, आप मुख्तलिफ हिस्से मालिक ने आपको दिए हैं, तो वो एक टेस्ट आप चखते हो, फिर उसके बाद एक उससे उत्तम टेस्ट आपको लगता है कि यार ये चीज़ जो है उससे मजीद टेस्टी है, तो आप पिछला टेस्ट या पिछला है वो मामला है वो आप आस्ते आस्ते भूलना शुरू करते हो, और आपको उस टेस्ट की उसका चस्का पड़ जाता है जिसे आम लफ्ज़ों में कहते हैं। तो बाबों के केस में यह है कि जब आपकी किसी भी चीज़ की एक लगन हो, मालिक से ही, आपको ज़्यादा स्ट्रेट इजी बात करते हैं कि अगर मालिक से कुर्बत कह लें उसे, आप उस एक विजुअल को, एक लाइफ के एक्सपीरियंस को बार बार लिव करना चाहते हैं, जिसमें आपको फील होता है कि आप मालिक को बड़े करीब से उसका एक्सपीरियंस करते हैं, दीदार करते हैं, दर्शन करते हैं,
अच्छा आप बार बार एक्सपीरियंस को खोजेंगे, चाहेंगे कि यार वही चीज मुझे रहे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आप उसी उस एक्सपीरियंस को, उस मोमेंट को लिव करने के लिए बार बार आप उसकी आप अटेम्प्ट करते हो मुख्तलिफ हीलों बहानों से, कि जैसे वही है ना कि वो चुक चरखा गली दे विच डावा, के देखने के लिए, उसके दर्शन के लिए, उसके दीदार के लिए। तो ये है कि फिर आस्ते आस्ते बाकी चीजें, बाकी इंटरेस्ट आपके छटते चले जाते हैं। सो फिर मालिक, तो बाबों का केस में ये है कि उनकी तारें फिर जुड़ जाती हैं, डायरेक्ट हो जाता है रिलेशन के मामला है ना। शाहजी, अब मेरे आपके रिलेशन में हम अगर स्टार्ट से देखें, इवन कुन फयाकूं तक अगर चले तो मंजिलें हैं। एक टाइम ये भी आता है कि आप, हम दोस्तों में ये भी होता है कि किसी को आप हक करके मिल रहे होते हो, किसी से आप तू तड़ाक करके बात कर रहे होते हो, किसी को आते ही आप ताली मार रहे होते हो। तो मालिक के साथ भी इसी तरह का मामला है। अब अगर टाइम है तो शेयर करूं एक और बात मेरे जहन में। अरे करें ना, आप ही क्या तो छोड़ेंगे। मुझे सम टाइम ये लग रहा होता है कि मैं भी जो है ना ज्यादा टाइम ले रहा हूं। नहीं नहीं, यही बातें तो सुननी थी मैंने, बताओ क्या कह रहे हो। अभी इस लाइव सेशन की अगर मिसाल लें तो आप ये देखें कि हमारे रिलेशन का आपस में ये एक लेवल और एक मामला है कि जब आप एक दूसरे को ऑन करते हो तो आपकी सिर्फ जुबान हिलती है कि असरार फलां टाइम पे ये करना है। तो उसके रिएक्शन में दूसरे शख्स की पूरी बॉडी और पूरी उसकी रूटीन और उसके सारे मामलात उस अकॉर्डिंगली चलना शुरू हो जाते हैं। सो बिल्कुल मालिक के केस में भी ऐसा ही है कि आप जिस लेवल पे उसको ऑन करते चले जाते हैं, वाह वाह, तो फिर आप वही होते चले जाते हैं। फिर ये है कि वो एक तरफ से जुबान हिल रही होती है और दूसरी तरफ से उस तरह का रिएक्शन और उस तरह की एक्टिविटी, अमल उस तरह से होना शुरू हो जाते हैं। बड़ी मजेदार बात जी, ऑन करने की गेम है। जब आप उसी के वही हो जाते हैं, उसी के हो जाते हैं, तो बस फिर एक ही हो जाता है मामला। जबरदस्त जबरदस्त, बड़ी मजेदार बात है। मालिक से भी अगर आप लेवल पे आ जाएंगे तो आप उसके साथ भी हल्का कर सकेंगे, और आप दिल का भार ऐसे जैसे शाम को किसी दोस्त के सामने हल्का कर देते हैं, इसकी बारगाह में आके दिल का भार हल्का करेंगे तो आपका दोस्त बन जाएगा। बेशक ऐसे ही है, ऑन करने का लेवल है दादा। आप जब ऑन कर लेते हैं तो आप जितना जो जिसका वो एक मिसरा भी है ना कि जिसकी पहुंच जहां तलक उसके लिए वहीं पे तू, तो जब आप उसको ऑन करते हैं तो वो वही फिर वो, ये तो एक आपने सुना होगा, एक वर्ष भी सुनी होगी कि मैं हाथ बन जाता हूं, मैं उसके पैर बन जाता हूं मामला। सो ऑन करने की बात है कि आप उसको जितना ऑन करेंगे वो वही होते चले जाएंगे। अच्छा जी, कुछ सुनाइए, कुछ इनायत कीजिए जी। शाह जी जरूर सुनाता हूँ मैं कुछ। असरार, तुम्हें याद है जब हमारी नई नई मुलाकात थी तो कैसे शाम को घड़ी तरफ बैठ के सारी सारी रात हम जैमिंग कर रहे होते थे और कुछ नई नई चीजें आ रही हैं, और है ना, बड़ा मजा आता। बड़ी मजेदार किस्म के मोमेंट, बड़ी मजेदार मेमोरीज हैं। मैं आप तजली, मैं आ को है
बड़ा मजेदार। अच्छा सर, मुझे ये बताओ, जिसमें तुम जुड़े हो, जो हमारी इंडस्ट्री है, उसमें तो इस तरह के सूफी किस्म के मलंग किस्म के बंदों तो लोग तैयार होते होंगे कैची बनाने के लिए, कि यू नो फाइनेंशियल डीलिंग्स, कॉन्सर्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अपीयरेंसेस हैं, चीजें। तो हाउ डू यू मैनेज? मतलब वो कोई और इकरार है, वो फिर एकदम से बटन ऑन कर देते हो, और वो कैसे होता है? या कोई मैनेजर रखा हुआ है तो मतलब भी रखा? शाह जी, सिंपल सी बात तो ये है कि मालिक जो है वो जब आपके लिए वो सारे मामला से जाता है तो लोग भी असाइन कर देता है आपके लिए कि वो मामला जो वो एलिमेंट्स हैं लाइफ के जिनको आप उस तरह से तवज्जो नहीं दे रहे होते तो वो लोग आपके हैं, जैसे मैनेजमेंट टीम है मेरी। अच्छा, इसमें एक चीज जो है ना, स्पिरिचुअलिज्म की बात या तसव्वुफ की या दरवेशों की, या अगर मेरा एक सो कॉल्ड सा अगर इमेज बन गया है कि ये जो है वो अजीब आदमी है, अजीब गंदा मुंदा सा एक, लेकिन पता क्या, आप जिस तरह स्टेज की भी आप बात कर रहे थे, हर किस मस्ती जो है या उस मस्ती के अंदर बकायदा एक होश होता है, एक बकायदा, और वो ऐसी अवेयरनेस होती है कि ये चीजें आपसे कोई छुपी नहीं होती। ये जो आपको चलते फिरते सड़कों पे अजीब नजर आते हैं, बड़ी फिल्में होती हैं। बिल्कुल सही। जी। सो ये एलिमेंट, ये मामलात ऐसा नहीं है कि आपकी नजरों से ओझल होते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि आप उनको बड़े तरीके से आपने उनको रखा होता है कि अच्छा यार, मेरी नीड या मेरे मामलात जो है फाइनेंस के वो इस तरह से हो रहे होते हैं, या मुझे कहाँ किस जगह कौन किस तरह से लोग इन्वॉल्व करने हैं, कौन से लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये चीजें आप इससे बड़े अवेयर होते हैं और बड़े अच्छे से अवेयर होते हैं। मतलब कोई ये मत समझे जी दादा, कोई किसी को लेके च ना रवे। नहीं, हरगिज नहीं। और ये खाली मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये इसमें अजल से यही चला आ रहा है कि एक देखिए, मस्ती के अंदर, मस्ती का एक मामला यही है ना कि आपने देखे, एक अभी रिसेंटली जो लाला आए हुए थे तो डॉग के मामला चल रहे थे, कुत्ते के गले में जो पटा होता है, रस्सी होती है, वो एक किसी बंदे के हाथ में ही होती है, उसमें अगर सरशारी है और बेनियाजी है कि हाँ ठीक है, मैं सेफ हाथों में हूँ, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपको, बल्कि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो कि आपको कोई भार नहीं होता, टेंशन नहीं होती कि ये चीजें
अच्छे से चल रही होती हैं। इसमें ये नहीं होता कि कन्फ्यूजन नहीं होती है, ये होता है कि लॉजिक इसमें कोई नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात है। करना क्या आगे जिंदगी में, क्या करना है, सार ने बड़े होके क्या बनना है दादा? पहली बात तो ये है कि बड़े होने का शौक ही नहीं है गुरु, इसलिए कि वाह 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 वाह, गल मुकाती तू, गल मुकाती, इतना प्यारा जवाब दिया, मजा आ गया। छोटे जो है ना बंदा नीवा नीवा होके निकल ले तो वो बेहतर है बंदा। क्या प्यारी बात, क्या प्यारी बात, लेकिन आपके छोटे हैं तो आप प्यार भी करते हैं, और कोई गलती गुस्ताखी होगी तो आप यकीनन छोटा समझ के माफ भी करेंगे। मैं जो है भी लाते लाते रख के बड़ा हो गया मैं। अच्छा मुझे बताओ कि ये कितना, ये दुनिया क्या है, कोई ऐसी तो कोई ड्रामा श्रामा लगाया हुआ है ऊपर, बहुत सारी फिल्में लगी होंगी, हम सारों की फिल्में चल रही है, चक्कर क्या है, ये सारी गेम है क्या, मुझे बताओ ये सीन क्या है ये? दादा पहली चीज तो ये कि मालिक का शुक्र है कि उसने आपको होने का एहसास दिलाया है, आपको होने का, आपको आपकी एग्जिस्टेंस का आपके अंदर ये फील है। आप इसी बेस पे मुख्तलिफ लज्जतें, आप मुख्तलिफ टेस्ट इंजॉय करते हो, उसके अंदर दुनिया की तमाम लज्जतें आ जाती हैं। बाकी एक मामला ये है कि इसको मजीद डिटेल में चलते हैं, मुझे किसी ने कहा कि जी सिर्फ ये बता दें, ये चीज़ मुझे बड़ी तंग करती है कि मालिक ने बनाया ही क्यों इंसान को, और ये सारी दुनिया और ये मामला क्या है, और अगर एक बंदे ने जहन्नुम में जाना है, ये उस शख्स का एक दोस्त का क्वेश्चन था जो उसको बड़ा तंग कर रहा था, तो उसको खल्क ही क्यों किया। बड़ा ये नॉर्मली लोगों को बड़ा तंग कर रहा होता है ये क्वेश्चन। बिल्कुल। तो मैंने उससे कहा कि अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन करो कि मैं एक सॉन्ग है उसके बारे में मेरा ये क्लेम है कि मेरी ये तमाम तर रियाजत, तमाम तर तहकीक, तमाम तर मेहनत का निचोड़ है ये कंपोजिशन या ये गीत, अगर मेरा दावा हो अपने किसी प्रोडक्शन के बारे में, तो आप मेरे से ये क्वेश्चन अगर करें कि यार शाहजी आपने ये क्यों कंपोज ही क्यों किया। क्रिएटिव प्रोसेस जो फनकार होता है, जो तख्लीक कार होता है, वो उसको लिव कर रहा होता है उस क्रिएटिव प्रोसेस को, ठीक है। सो इंसान या ये जो मामला है जिसके बारे में, इसके बारे में साथ ही ये दावा भी है कि ये मेरी तख्लीक दी बेस्ट है, बेशक दी बेस्ट है, बिल्कुल है, अपना आप सौंप दिया, जिसे अपना आप सौंप दिया। सो ये बिल्कुल भी हर चीज ऐसा नहीं है कि ये कोई वही बात है ना कि एम ही हो गया और एन जी हो जाता है, ऐसा नहीं है। वो मोमेंट आप लिव करते हो और आप इसी तरह मालिक लिव कर रहा होता है उस, उसी उसके उसके उसी के उसी का उसी का एक रूप है इंसान, जो आपने बड़ी मशहूर जमाना बात सुनी होगी। सो तो फिर तुम्हें जी जी असरार, फिर तुम्हें क्या नहीं लगता कि आखिर में आके बस वो कहते अच्छा चलो यार बस ये तो तुम लोगों को मैंने ऐसे सीधा रास्ता पे रखने के लिए, आखिर में सबको माफी मिल जाएगी और सब अगर जन्नत जहन्नुम का जो भी कॉन्सेप्ट है सब बस कहेंगे यार चलो शाहजी ये असल में आपके अंदर का जो है ना अंदर, आपके अंदर का रहमान रहीम बोल रहा है। सो उसके मुख्तलिफ एलिमेंट हैं कि आपने ये भी सुना होगा कि जिस किस्म के गुमान होते हैं, मालिक कहता है कि जिस किस्म का इंसान का गुमान है वो उसी किस्म का उसको होके मिलता है। इसमें सिर्फ एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि आप ये देखें कि एक चीज आपको बताई जाती है, जैसे स्मोकिंग है, ठीक है, स्मोकिंग है, स्मोकिंग आप करते हो और आपको पता है कि आप अल्टीमेटली कहाँ जाके खड़े होंगे, आप झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो और उसके असरात आपको साथ साथ बाबे भी बता रहे हैं, मालिक खुद आपके, अब मालिक हर तरह की विजडम के जरिए, नेचर के अंदर, किताबों के अंदर, बाबों के जरिए, इंसानों के जरिए, एक दूसरे के जरिए बता रहे हैं कि झूठ गलत चीज है और ये आपको अल्टीमेटली इसके लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। बिल्कुल। सो ऑटोमेटिकली होने ये जा रहा होता है कि आप एक एक
ट्रैक पे जब चढ़ जाते हैं तो उसके बाद आप आहिस्ता 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 आपने एक पॉइंट पे पहुंचना ही पहुंचना है। यही तो इस तख्लीक की खूबसूरती है, यही तो इस की खूबसूरती है कि आपने अगर जो ट्रैक चूज किया है वो आपको एक मुकाम तक लेके जाएगा। सो साइंटिफिकली भी अगर आजकल वो मैं एक सुन रहा था किसी से कि झूठ बोलने के जी बड़े नुकसान आते हैं, वो तो आपकी बॉडी पे बड़ा असरअंदाज होती है मेडिकली भी। अच्छा जी जी, स्ट्रेस ले रहे होते हैं क्योंकि आप उसको अपने अंदर पाल रहे होते हैं किसी ना किसी लेवल पे, झूठ बोलने के बाद आप उसको पाल रहे होते हैं कि यार ये बात मैंने इसके साथ की तो है, मैंने उसको कहा, फिर आप अकॉर्डिंगली सोचना शुरू करते हैं, तो वो आप स्ट्रेस ले रहे होते हैं। तो खुद को इसीलिए आप इन चीजों की तरफ, ये झूठ की सिर्फ मैंने एक मिसाल दी है, आप खुद अपनी च्वाइस के ऊपर चलते चलते एक जगह पहुंच जाते हैं। इंटरेस्टिंग। एक पॉइंट जरूर ये है कि यहाँ भी फाइनल कॉल मालिक की है। देखें जी, ये गिटार अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो मेरी मर्जी मैं तौसीक शाह जी को दे दूं, मेरी मर्जी मैं किसी दोस्त को दे दूं, मेरी मर्जी मैं ना दूं। सो मालिक फाइनल कॉल तो उसी की है, वो चाहे जिसको, इसलिए भी कहते हैं कि हर किसी की, हर रिलीजन की, हर रंग नस्ल की, हर बंदे की उसकी उसकी रिस्पेक्ट, उससे प्यार करना चाहिए कि यू नेवर नो उसका। जी जी एग्जैक्टली। सो फाइनल कॉल तो मालिक की है। मुझे लगता है फाइनल कॉल सबको 33 नंबर मिल जाएंगे, मुझे लगता है। आपकी दुआ रही तो जरूर मिल जाएगी। अच्छा जी, कुछ इनायत हो, कुछ शेयर करें। अच्छा शाह जी, मैं सोचता हूँ कुछ। यार वो सुनाओ ना, जलेबी ना, माहौल बदलते हैं। अच्छा, यकदम ही जलेबी। चले मैं ट्राई करता हूँ गिटार पे, वैसे कम ही इसको। शाह जी, गलती गुस्ताखी हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, ये असल में वो मुख्तलिफ चीजें, वो सम टाइम आप एक गाना बड़े दिनों बाद गा रहे होते हैं तो वो। जी जी, एंजॉय एंजॉय। जमख को ले जाना, पठाना ने मेरे बहुत मारना है किसी दिन, मैं पता नहीं क्या क्या बोलता रहा था, लेकिन मुझे ये लैंग्वेज भी और फौरन पहाड़ों में पहुंच जाता है वो। हाँ, जमख को ले जाना, मामा शड़ा गजा कुर्बान दे शमा अस्सलाम। मक्तूल जिगर कातिल है नजर, एक माह जबी एक नूर नगी, रब की रुबाई या है तबाही, गर्दन सुराही बोली इलाही, अफगान जलेबी माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना, भईवा भईवा, बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना, भईवा भईवा, अफगान जलेबी माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना, भईवा भईवा, बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना, भईवा भईवा। देख तराजी बंधन माजी, खेल के बाजी खाम खा, अब
ठहरा न किसी काम का, मीर का कोई शेर सुना के घूंट लगा के जाम का, रहा खान महज नाम का, ओए लख्त जिगर ओए नूर नजर, एक तीर है तू मैं चाव के जिगर, बंदों से नहीं तो अल्लाह से डरेगी, वादा तो कभी निभाना, भईवा भईवा बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा दिखा दिखाना, भईवा भईवा अफगान चले भी माशूक फरे भी घायल है तेरा दीवाना, भईवा भईवा बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना, भईवा भईवा आजा जी के पास तेरी चुगली करूंगा, मैं तेरी चुगली करूंगा, हाँ तेरी चुगली करूंगा, अंगूठी में कैद तेरी उंगली करूंगा, मैं तेरी चुगली करूंगा, हाँ तेरी चुगली करूंगा, गुले गुलजार मेरे सरकार, बड़े मंसूर तेरी चुगली करूंगा, अंगूठी में कैद तेरी उंगली करूंगा, तेरी चुगली करूंगा, तेरी चुगली करूंगा। Very nice, very nice. क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सरार, क्या पढ़ाई बढ़ाई पढ़ते हो आजकल? टाइम बचा है, पढ़ रहे हो आजकल? सॉरी आवाज आपकी कट गई दिशा जी। क्या पढ़ रहे हो आजकल? कुछ पढ़ रहे हो? किताबें विताबें कुछ रीडिंग हो रही है? शाह जी किताबों से जो है वो मेरी दोस्ती इसलिए भी ज्यादा नहीं रही कि शायद शुरू में किसी ने पता नहीं कहाँ से दिमाग में डाल दिया कि किताब जो है वो उस पर बंदे का जो है ना अपना एक्सपीरियंस होता है, उसने जो लाइफ में जिस तरह से उसने लिव किया होता है। ठीक है। मेरी केस में तो वो जो जिन्होंने किताब, वो जो साहिब किताब जो बाबा गुजरा है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहा मेरा। बाकी मेरी सुस्ती कह लें या क्या कि मैंने ज्यादा जो है ना बाकी ये मैंने किताबें वगैरह या हाँ मेरे से हिम्मत नहीं पड़ती थी। मुझे तो याद आया कि मैं कोर्स की जो किताबें होती थी स्कूल में, हाँ वो भी मैं नई किताबों की, क्योंकि खुशी होती है एक एक्साइटमेंट होती थी, तो वो उसके मैं आखिरी चैप्टर पहले पढ़ता था कि यार ये एंड किधर खत्म किधर। सो वो कम रीडिंग जो है वो कम ही है। ये मैंने क्यों पूछा? जी जी जी, ये मैंने इसलिए पूछा कि मैं चाहता था कि लोगों को पता लगे कि असरार की सारी असरार बातों के पीछे जरूरी नहीं है कि बहुत सी किताबों से हासिल किया हुआ इल्म हो। इसने जिंदगी को लाइफ को ऐसी फ्रीक्वेंसी पे जाके लिव किया है जहां पे चीजें खुद ही रोशन होने लग जाती है, उसके लिए किताबों का पढ़ना जरूरी कभी नहीं भी होता। जी किताब के केस में वही बात है ना कि अगर किताब की ही इंफॉर्मेशन या उसको भी हतमी माना जाए तो वो भी आपको पता ही है कि एक ही बात का हर बंदा मतलब अपना ही ले रहा होता है। बिल्कुल। तो और बहुत सी किताबें जो हैं वो बहुत से बाबों के बाद भी उनके ऊपर किताबें पूरे पूरे दीवान लिख दिए गए हैं। I know, जो I know. कि लाइफ में नहीं भी छपी तो बाद में हो गई। जी जी जी। सो अच्छा मजे की बात यह है कि आप वो बुक्स में अगर एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स पढ़े तो आपको बात भी करीब करीब एक जैसी ही मिलेगी, एक ही बात मिलेगी। ठीक है। सो ये है कि मुझे लगता है कि आप अगर उस मोमेंट को जो जिस तरह से अभी अगर हम सामने हैं बात कर रहे हैं इसको अगर आप खुलूस से और इंसाफ से और नेक नियति से लिव करें तो ये मोर देन इनफ है इंसान के लिए, बजाय इसके कि आप बहुत सा बर्डन बहुत सा भार आप लेके चल रहे हो। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग अप्रोच। अच्छा जी आखिर में एक सवाल है, बिल्कुल आखिरी आखिरी, और वो ये कि
आपकी ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो आप बहुत उसके बारे में सोचते हैं कि ये बस ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, हमें बताएं क्या उसकी दुआ है। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि मालिक किसी तरह जो है वो नाराज ना हो, बस। मेरे बड़े बड़े ब्लंडर हैं जो मेरे फौरन मेरे ऐसे फौरन दिमाग में घूम जाते हैं और उसको लेके मैं कॉन्शियस रहता हूँ और यही मेरा सबसे बड़ा फियर है और यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि किसी तरह जो है वो मालिक आपसे जो है वो हैप्पी हो जाए और उसका साथ रहे, बस। उसकी उसकी नाराजगी से डरना चाहिए, उसकी गजब से, उसकी 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 नाराजगी उसकी नहीं, वो ये बात मुझे अजम नहीं होती। बाकी बातें सारी कोई मसला नहीं है, मजे की बात। जी मुझे पता था इसी तरह का जवाब आएगा। मुझे पता था सराब ये नहीं कहेगी कि मुझे समय बहुत मिलता है, मैं वर्क वर्क कर लूं और मैं इतने कॉन्सर्ट्स कर लूं और ये नहीं 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 दुनिया तो आजकल तो दुनिया बाहर जाने के वाली हुई नहीं हुई, घर बंदा थे आई नो हर बंदा थे शर्मिंदा फिर रहे नहीं मैं कह रहा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर था कि ये मुझे नहीं पता था कि मैं तो कहता सवाल ही पैदा नहीं दूसरा की कोई चीज ऐसे मुझे पता था इसी तरह की कोई चीज आएगी और मैं ये अभी थोड़ी देर आपके साथ शेयर करूंगा, फिर आप अपने सोशल मीडिया पर शेयर करना। आज कनेक्शन में थोड़ी सी क्रैकलिंग फील हो रही है आपको ऑडियो के अंदर, मेरी ऑडियो जा रही है ना कुछ है, इसको इसका तो इलाज करते हैं। थैंक यू सो मच शाजी, लव यू बहुत अच्छा लगा, लव यू टू, बहुत सा ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच। मैं जनाब असरार से आपकी मुलाकात करवाई, असरार साहब बड़ी दिलचस्प शख्सियत है, ये आप किस्म का बंदा नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपकी इससे लाइव तौसी के अंदर मुलाकात होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, हम आपके लिए तरह के प्लान करके आता रहूंगा और तौसीक हैदर ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, इस पे बहुत से और एक्टर्स के, सेलिब्रिटीज के, इंटेलेक्चुअल्स के, राइटर्स के, सिंगर्स के सेशन पड़े हुए हैं, उनको भी जाके देखें। बड़ा डिफरेंट बात होती है, कैसा कोना सा मैंने बताया अपनी जिंदगी में, कौन से आर्टिस्ट वगैरह आए अपने जरा दिल की बात करें, जो शोज में बैठ के सिर्फ ग्लैमर श्लैमर वाली गुफ्तगू होती है ना, वो ना हो, जरा आम आम लेवल पे आके डाउन टू अर्थ किस्म की बातें हों। सो आपको अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब भी करें और लोगों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत अपना बहुत सा ख्याल रखें, फिर किसी सेशन में मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़।